तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ट्राई सिटी क्रिकेट में। तो आज की वीडियो थोड़ी हटकर रहेगी, जो बेसिकली बहुत सारे क्रिकेट में या बहुत सारी अकेडमियों में बताई जाती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम खेलते हैं या हमें खेल कर पता लगती हैं, हमें बताया क्या जाता है कि हम खड़े कैसे हों, हमारा स्टांस कैसा रहेगा, हमारा बैट फ्लो कैसा रहेगा। हमें ये नहीं बताया जाता कि वेट शिफ्ट कैसे करना है, हमारी वेट शिफ्टिंग। बेसिकली क्रिकेट तो है तो ही वेट शिफ्टिंग का काम ना। अगर आपको पुल करना है तो आप ऐसे तो पुल नहीं कर सकते, अपना वेट आगे रखें, आपको वेट थोड़ा पीछे करना पड़ेगा तो ही पुल होगा। कट शॉट करना है तो आपको हल्का सा पीछे करना पड़ेगा, ड्राइव करना है तो अपना वेट आगे करना पड़ेगा। वेट ट्रांसफ़र होगा, होता कैसे है, इसके बेसिक रूल्स क्या हैं या इसको बेसिकली करना कैसे है, तो आज की वीडियो में ये रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि वेट ट्रांसफ़र का सबसे पहला कि आप खड़े कैसे हो, आपका स्टांस क्या है। अगर आपका स्टांस ऑकवर्ड है या आप ही अपने स्टांस में कंफर्टेबल फील नहीं करते तो आप वेट ट्रांसफर में भी कंफर्टेबल, आपका वेट ट्रांसफर भी अच्छे से नहीं होगा। अगर आप खड़ते ही ऐसे तो आपका ऑटोमेटिकली वेट ट्रांसफर अपने तरीके से होगा, टेक्निकली साउंड नहीं होगा, तभी बोलते हैं ना कि मारा यहाँ को था और गया वहाँ। ये बेसिक सारा रीज़न है वेट ट्रांसफर का। आपका बैट फ्लो अच्छा है, आपके बैट महंगे हैं, आपकी हर चीज़ महंगी है, आप खेलते अच्छा हैं, मानते हैं आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है, पर सारी गेम एट द एंड है वेट ट्रांसफर की, आपका शॉट कनेक्ट कैसे होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना स्टांस सही करना पड़ेगा। स्टांस सही करने के बाद अगर, तो देखिए ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि खड़ना कैसे है, लेकिन खड़िए ऑलवेज वैसे कि आप हर बॉल को रीच कर पाओ और हर बॉल को एक सही तरीके से सीधे बैट से खेल पाओ। ऐसा ना हो कि आपकी बॉल यहाँ अगर इस तरफ आ रही है तो आपको वो डिफेंस करने में दिक्कत हो रही है और आप उसको रीच नहीं कर पा रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान लो वो ऐसे खड़े तो जाते हैं ऐसे, अब वो फिर बॉल आई तो फिर ऐसे बॉल उतने में निकल जाती है। इसका प्रॉब्लम क्या है, आप खड़े सही से नहीं है और आपने बॉल की और आप बॉल की तरफ अपना वेट ट्रांसफर सही से नहीं कर सकते। कभी कभी बॉल बैट पे कनेक्ट नहीं होती, हमारा वेट ट्रांसफर अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए हमारे कुछ शॉट्स नहीं लगते। जैसे पुल शॉट पूरा का पूरा वेट ट्रांसफर पे, ड्राइव शॉट पूरा का पूरा वेट ट्रांसफर पे है, स्ट्रेट बैट शॉट जो हम मारते हैं पूरा का पूरा वेट ट्रांसफर पे और हाथों पे है, हाथों पे कि आप हाथों हाथ कैसे चलाते हैं। कट शॉट आपका पूरा वेट ट्रांसफर पे है कि आप वेट कैसे, आप अपना वेट अपने बैट पे, तो बैट फ्लो पे तो है ही है, लेकिन फिर भी इसका बहुत बड़ा पार्ट रहता है कि कुछ शॉट्स बड़े तेज जाते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप देखते हैं 140-150 की स्पीड होती है, फिर भी तो स्पीड बैट लेते फिर भी वो इतने अच्छे से कनेक्ट करते कोहली विद इन अ सेकेंड बॉल ड्रॉप पे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आपका वेट ट्रांसफर। तो वेट ट्रांसफर के बेसिक आपको सबसे पहले खड़ना ऐसे है, तो वेट ट्रांसफर का सबसे पहले कि अगर आपको ड्राइव मारना है या फिर आपने शॉट खेलना है, सिंपल पुश करना है, पंच करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पंच पुश हाथों की गेम है, पर फिर भी अगली बॉल पे आप अपना वेट ट्रांसफर कैसे करेंगे, क्या रहेगा वेट ट्रांसफर का। तो सबसे पहले आप स्टांस अच्छे से लीजिए, मानिए बॉल का रेंज ये सारा है, यहाँ पर बॉल है, आप खड़े। अब देखो अगर तो आप विदाउट वेट ट्रांसफर के देखें तो इसका तरीका क्या है, लोग आए और आपने ऐसे खेला, ये सही तरीका नहीं है। तो जैसे कि हमने वो शॉट मारा था उसमें हमारा वेट ट्रांसफर अच्छे से नहीं हुआ था, मारने को वो शॉट मार सकते हैं, मारते भी बहुत लोग हैं, हम भी मारते हैं, लग जाता है कभी कभी वेट ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन इसको सही तरीका अगर बताएं अगर हम खेलने का, तो इसके लिए हमारा फ्रंट फुट आगे रहेगा, फ्रंट फुट ऐसे गया, और देखिए ये तो खेलने के कुछ बेसिक हैं कि ऑलवेज जज द लाइन लेंथ की लेंथ, और ऑलवेज अपना पैर हमेशा बॉल की लाइन में ही रखें, अपनी बॉडी बॉल की लाइन में ही रखें, बॉल की लाइन से दूर होंगे आप तो शॉट्स में, अगर आपकी आंखें जम जाएं पिच पर खेलते वक्त वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है। लेकिन बेसिक्स अगर हम क्रिकेट की बात करें, आगे T20 में तो नहीं रखते लोग लाइन में, कहीं से भी मार रहे हैं कैसे भी मार रहे हैं, लाइन के अंदर अपनी बॉल पैर लेके आइए, आपने वहाँ खेलना। वेट ट्रांसफर क्या है, आपको छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपको पहला शॉट आपने देखा बिना वेट ट्रांसफर के, अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैंने पैर आकर वेट ट्रांसफर किया, ये टेक्निकली साउंड है और ये टेक्निकली सही है कि आपने बॉल के पास गए, आपने अपनी अपर बॉडी का वेट आगे किया और शॉट मारा, हेड पोजीशन आपकी सही थी और बॉल, बेशक उसमें भी सेम शॉट जाएगा, इसमें भी सेम शॉट जाएगा, बट ये टेक्निकली साउंड है। ये वेट ट्रांसफर का एक छोटा सा एग्जांपल, और इस तरह से वेट ट्रांसफर करना है। अगर आपको कट शॉट करना है तो आपको, अब आप आगे नहीं जा सकते, आप आगे जाएंगे तो खेल लेंगे, आपको अपने पिछली टांग पे पूरा वेट रखना है, और ट्रांसफर भी कैसे करना है,
ये तरीका रहेगा। इस बार आपने ऐसे आगे को करके कटने खेल सकते हैं, लोग खेलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है वो टेक्निकली साउंड नहीं है। कुछ बॉल्स होती है कि चलो आप आगे आ गए और आपने ऐसे खेल दिया, ठीक है वो सही है, लेकिन अगर आपको पता है कि कोई लेंथ और कोई बॉल कट की है तो आप उसे खेलेंगे। आप गए, आपने अपना वेट पीछे ट्रांसफर किया और आपने कट कर बॉल को रीच किया, ऑलवेज लाइन पे गए, जितनी बॉडी से दूर खेलेंगे, बॉडी से दूर आपने खेलने की कम कोशिश कीजिए। आजकल खेलते हैं, T20 का दौर है, आड़े तिरछे शॉट ट्रेंड में है, मारते हैं लोग, वीडियोस भी बनती हैं उसके ऊपर, लेकिन अगर हम क्रिकेट टेक्निक की बात करें, बेसिक की बात करें, तो ऑलवेज कीप योर बॉडी नियर द बॉल। अगला शॉट पुल के लिए, पुल के लिए जैसे कट के लिए हमने वेट पीछे को ट्रांसफर किया, सेम रहेगा पुल के लिए। पुल के लिए भी आप ऐसे, हाँ देखिए डिपेंड करता है, जो तो लोग फ्रंट फुट से पिक बॉल कर सकते हैं, कुछ लोगों के पास स्किल होती है, वो फ्रंट फुट से बॉल पिक कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियंस, बेसिकली ऑस्ट्रेलियंस की अगर मैं बात करूँ, उनका पुल बहुत स्ट्रांग होता है ड्यू टू देयर कंडीशन, उनकी कंडीशन ऐसी है, लेकिन बहुत सारे लोग पुल कभी भी ऐसे नहीं खेलते हैं कि वो फ्रंट फुट पे गए और उन्होंने पुल मार दिया। दे ऑलवेज ट्राई कि वो पीछे रहें, बॉल आने दें अपने तक और उन्होंने ये पुल किया। यहाँ पर आपने बॉडी वेट का, सब बॉडी वेट का खेल है, आपने वेट ट्रांसफर कैसे किया, मारने को आप फ्रंट फुट से भी मार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं कि हाँ आपने ये किया, लेकिन इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए। आप वही बॉल वही लेंथ आप अगर पुल मारना चाहोगे हल्का पीछे, ये आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते होंगे, अगर आप भी पुल ट्राई करते होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट पीछे को जाता है, हल्का सा पीछे को गया और आपने पुल कर लिया। इस तरीके से वेट ट्रांसफ़र करेंगे हम अपनी बॉडी का और अपने शॉट्स को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।